हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी व्याकरण बोध का पाठ 4, संधि। ओके, ज्वाइनिंग। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था संधि की परिभाषा और संधि के प्रकार हम पढ़े थे, ठीक है। आज हम उनके प्रकारों का विस्तार से हम वर्णन करेंगे। ओके, फर्स्ट क्या था? स्वर संधि, ठीक है ना। फर्स्ट है संधि के भेद में स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं, ठीक है ना। दो स्वरों के, स्वर संधि में दो स्वरों का ही मेल होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। दो स्वरों के मिलने से जो भी परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है, ठीक है ना। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ठीक है ना। हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ जैसे मतलब होता है बड़ा, है ना। बड़ा मतलब आ, बड़ा आ, आ की मात्रा बढ़ते हैं ना, तो ये उसी के जैसा ही है। जैसे इसमें आ का उच्चारण ज्यादा होता है, जो भी बड़े से, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना। तो इसमें उन्हीं का बताया गया है, उन्हीं मात्राओं का ज्यादा इसमें विस्तार बताया गया है। जैसे देखिए, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ ई ऊ, है ना, ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ ई ऊ के आगे वही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है, ठीक है। दीर्घ मतलब बड़ा। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको जल्दी समझ में आएगा। भाव धन अर्थ, भाव धन अर्थ, ये हुआ भावार्थ, ठीक है ना। भाव धन अर्थ, भावार्थ, तो भाव आ, ठीक है ना, और ये आ, भाव आ, आ का इसमें साउंड आ रहा है और ये अर्थ, तो ये आ प्लस आ मिलकर क्या बने? ये बड़ा आ, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए मात्रा लगी है भावार्थ। ओके, नेक्स्ट है धर्म प्लस आत्मा। धर्म धन आत्मा, धर्म आत्मा, ठीक है ना। यहां देखिए धर्म आ का साउंड आ रहा है और नेक्स्ट यहाँ आत्मा, आत्मा आ बड़ा आ, है ना। तो ये आ, आ की ली दिया है तो आ धन आ, ये आ का साउंड यहां पर आ रहा है। धर्म आत्मा, है ना, बड़ा आ, ये देखिए। नेक्स्ट है परीक्षा, आ, आ की मात्रा है ना यहाँ, तो इससे क्या बना? आ, ठीक है ना, ये देखिए ये आ। फिर ये अर्थी में छोटा ये, ठीक है ना। तो परीक्षा धन अर्थी, परीक्षार्थी, तो ये आ धन आ मिलकर क्या बने? आ, तो ये हुआ परीक्षा। ये देखिए ये छा, ठीक है ना, परीक्षार्थी, ये आ फिर यहाँ पर लोप हो गया यहाँ पर, तो इसके जगह पर क्या आया? इसमें मात्रा लगी परीक्षार्थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, विद्यालय, तो विद्या आ, आ मतलब बड़ा आ, और ये आलय में भी ये बड़ा आ, तो बड़ा आ और ये बड़ा आ मतलब आ की मात्रा ही बनाए, तो विद्यालय। ओके, नेक्स्ट है कवि धन इंद्र, कवींद्र, ठीक है ना, ये आ की मात्रा वाले हुए, अब बड़ी की मात्रा वाले, ठीक है। तो कवि धन इंद्र, कवींद्र, देखिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा आई, क्यों आई? अब यहाँ देखिए वी, कवि छोटी ई और ये छोटा ई, है ना, यहाँ छोटी छुट्टी की मात्रा लगी मतलब ये छोटा ई, और यहाँ भी ये छोटा ई दिया, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा ई, मतलब बड़ी की मात्रा मिलकर ये बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़ी की मात्रा आई कवींद्र, ठीक है। वैसे ही है कपी धन ईश, कपीश, कपी धन ईश, कपीश, पी बड़ी की मात्रा आई ना यहाँ, कपी, ये देखिए यहाँ पर ये छोटी की मात्रा और ये बड़ी ई, तो ये छोटा ई बड़ा ई मिलकर ये बड़ी ई ही बनाएंगे, तो ये हुआ कपीश। ओके, चलिए इसी प्रकार से अब बाकी के जो एग्जाम्पल दिए हैं इसे आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गुण संधि, ठीक है ना। गुण संधि क्या है? जब आ या आ, आ या आ के आगे ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए ऊ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ, ठीक है ना।
ऋषि आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है, ठीक है ना। जब गुणस्वर संधि में क्या हो गया, जब आ के आगे ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए ए, ठीक है ना, मतलब ए की मात्रा ए। फिर उसके बाद ऊ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा। और यदि ऋषि आता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, अर, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, धर्म धन इंद्र, धर्म धन इंद्र, तो ये क्या हुआ देखिए, धर्मेंद्र, क्या हुआ धर्मेंद्र। अब देखिए धर्म आ का साउंड आ रहा है यहाँ पर, तो ये आ। फिर इंद्र, इंद्र में ई, छोटी ई का उच्चारण हो रहा है। तो अभी हमने पढ़ा कि जहां पर आ या ई है ना आता है तो दोनों के स्थान पर ये मिलकर क्या बनेगा, ए, मतलब ए की मात्रा। तो यहां देखिए मा में ए की मात्रा हो गई, धर्मेंद्र, ठीक है ना। वैसे ही यथा धन इष्ट, तो यथेष्ट, ये आ और ई मिलकर ए बनाए। ओके, इसी प्रकार से बाकी के एग्जाम्पल आप क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि में क्या है, यदि आ या आ के आगे ए या ए आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, और जब ओ या ओ आए तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए एक धन एक, एक धन एक, तो ये एक आ का साउंड आ रहा है यहां पर, ये ए, तो आ धन ए, ये क्या मिलकर बने, ए, ठीक है, तो ये एक है। फिर है परम धन ऐश्वर्य, परमेश्वर्य, ठीक है ना, आई, ठीक है। नेक्स्ट है यण संधि, ठीक है ना, क्या है यण संधि। यण संधि में क्या होगा, जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ या ऋषि के आगे कोई असमान स्वर आए तो ई का या, ठीक है, ई और ई का क्या हो जाएगा, या, और ऊ का हो जाएगा वा, और ऋषि और का रा हो जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, यदि धन अपि, यदि ई छोटा ई आ रहा, और अपि मीन्स आ, तो यद्यपि, ठीक है ना, तो ई और आ यदि आते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, वो दोनों स्वर मिलकर क्या बनेंगे, या, ठीक है ना, ई प्लस ये आ, या, यद्यपि। वैसे ही इति धन आदि, इति छुट्टी की है ना, मतलब ई छुट्टी ई, और आदि मीन्स आ, तो ई और आ मिलकर क्या बना रहे हैं, या, बड़ा या है ना, आ की मात्रा, तो इत्यादि। ओके, इसी प्रकार से आप ये बाकी के एग्जाम्पल भी क्लियर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अभी हमने जो भी पढ़ा, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि संधि और यण संधि, इनके आप अच्छे से जो एग्जाम्पल दिए हैं इन्हें आप अच्छे से एक बार फिर से रीड कीजिएगा, और इनमें जो भी स्वर और व्यंजन आए हुए हैं इन्हें आप अच्छे से समझिएगा कि किस प्रकार से ये कौन से व्यंजन या स्वर में की मात्राओं में बदले हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो नाउ योर होमवर्क, बाय बाय, हैव अ गुड डे।